दोस्तों आज हम आपको दिखाऊंगा हम लोग जो स्टेबलाइजर का ट्रांसफार्मर बनाते हैं उस ट्रांसफार्मर में हम कैसे वार्निश करते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे वार्निश किया जाता है। तो हमारे पास इधर तीन तीन ट्रांसफार्मर है और इस बोतल में जो है वह है डॉक्टर एवन का वार्निश, जिसको हम ट्रांसफार्मर में डालेंगे। ठीक है, तो देखते हैं कैसे वार्निश करते हैं हम। जो कंपनीज होते हैं वो तो विषा बहुत ही होता है, एक साथ वार्निश के अंदर ट्रांसफार्मर के डालते हैं, लेकिन तो हम 2, 4, 10 बनाते हैं तो हमारा तो उतना वार्निश का ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा वार्निश में ही काम चल जाएगा। तो हम थोड़ा सा वार्निश में कैसे कर सकते हैं, तो दोस्तों पहले हम बोतल को खोलते हैं। उसके बाद हम बोतल का खोलने के बाद हम ट्रांसफार्मर के अंदर डाल देंगे। इधर देखिए, इधर जो वायर है वायर के ऊपर डाल दिया। इधर से जब भी आप डालोगे तब जो वायर है आपका वायर से पासिंग होकर आपका जो नीचे तरफ है नीचे तरफ चल जाएगा और अंदर को अंदर जो जितना भी दूर होना वो पहुंच जाएगा, कोई भी बात मुश्किल नहीं। लेकिन अगर आप ज़्यादा डाल दिया तो गिर सकता है। उसके बाद ऐसा करके आप ट्रांसफार्मर के ऊपर डाल दीजिए। ऐसा करके आप चारों तरफ दीजिए। ठीक है, लेकिन इधर हमारा देखिए, हमारा इधर ज़्यादा ढल दिया इसलिए हमारा इधर नीचे तरफ निकल गया। लेकिन आप आस्ता आस्ता कम कीजिए, नहीं तो आपका वार्निश का जो बेकार है बेकार ज़्यादा होगा। तो आपको बेकार करने का कोई ज़रूरत नहीं। हम वीडियो बनाने के वजह ज़्यादा करके जल्दी जल्दी ढाल देता हूँ इसलिए हमारा नीचे तरफ गिर जाता है। तो आप इस तरफ भी थोड़ा थोड़ा लगा सकते हो तो वार्निश देने का, तो आप सोचोगे वार्निश देने का हमारा फ़ायदा क्या है। आपका जो वार्निश देने का फ़ायदा है वो है, अब जब भी ट्रांसफार्मर में वार्निश करोगे तो आपका जो थोड़ा भी गैप रह जाता है, अब इधर देखिए थोड़ा थोड़ा गैप है, उस गैप में जो वार्निश है वो पहुँच जाता है और भी वाइब्रेशन नहीं होता है। नहीं तो अब भी वार्निश नहीं किया तो वाइब्रेशन ज़्यादा होगा, वाइब्रेशन अगर ज़्यादा हो तो कस्टमर भी आपका माल को नहीं पसंद करेगा। आपको स्टेबलाइजर बनाते हो तो इन्वर्टर बनाते हो तो आपका पसंद नहीं करेगा, क्योंकि आपका माल में तो वाइब्रेशन होता है। तब वार्निश डाल दीजिए तो तब आपका वाइब्रेशन चल जाएगा। हम जैसा ही ट्रांसफार्मर के चारों तरफ लगाता हूँ वैसा ही आप लगा दीजिए। ये देखिए, आपको उधर से हम इधर तो अभी इधर से नहीं लिया, लेकिन इधर देखिए थोड़ी सी आ गया, तो इधर से आप थोड़ा थोड़ा डाल दीजिए। उसके बाद पूरी ट्रांसफार्मर में आपका वार्निश कोई बात नहीं, आसानी से पहुंच जाएगा। ठीक है, तो हमारा इधर ज़्यादा डालने का ज़रूरत नहीं, थोड़ी सी डालूँगी उससे हो जाएगा। अब जब भी आपका वार्निश करा हो गया तब आप क्या कर सकते हो, इस जो ट्रांसफार्मर है इस ट्रांसफार्मर को आप तभी आपका ट्रांसफार्मर हार्ड से जम जाएगा, हार्ड हो जाएगा, कोई भी वाइब्रेशन नहीं होगा इस ट्रांसफार्मर में। तो हम इसमें भी दिखा देता हूँ, लेकिन थोड़ी थोड़ी दिखाऊंगा इसमें, हमें ज़्यादा करके नहीं दिखाऊंगा, नहीं तो आपका वीडियो जो है बहुत ही लंबा हो जाएगा, आपको देखने को भी अच्छा नहीं लगेगा। हम थोड़ी थोड़ी करके दिखा देता हूँ, आप देखते रहिए। हम सिर्फ और भी जो दो ट्रांसफार्मर है उसमें दिखाऊंगा कि सिर्फ ऊपर वाला जो होता है
ऊपर वाला ऊपर में हम बर्निश करके दिखाऊंगा। आपको अच्छा तरह देखने की कोशिश करूंगी। देखिए हम दोनों को कर लिया। अब अगर आपको मन होता कि आपका जो ट्रांसफार्मर है उसमें ज़्यादा वाइब्रेशन नहीं होगा, आप ठीक ठाक से एकदम कॉइल वाइंडिंग किया, ठीक ठाक से आप नेमुलेशन किया, तो ऐसा अगर आपका मन में है तो आप थोड़ी सी ऊपर से ही वार्निश करके छोड़ दीजिए। आपको नीचे तरफ वार्निश नहीं करना होगा, चारों तरफ नहीं वार्निश करना होगा, हो जाएगा, कोई बात नहीं। वाइब्रेशन मैं तो कोशिश करता हूँ कि आपका ट्रांसफार्मर वाइब्रेशन नहीं होगा, मुझे तो इतना ही लगता है। लेकिन आप अच्छा तरह से नहीं किया, आपका वाइंडिंग भी अच्छा नहीं हुआ, आपका नेमुलेशन भी अच्छा नहीं हुआ तो आपका वाइब्रेशन हो सकता है, अगर अच्छा तरह से आप बर्निश भी नहीं किया तो। तो दोस्तों हमारा वाइब्रेशन देखिए, तीन तीन ट्रांसफार्मर में हम बर्निश कर दिया। देखिए तीनों ट्रांसफार्मर में हम बर्निश कर लिया। तो हमारे पास इधर जो डब्बा है वो है आपको दिखाया डॉक्टर एवन का, ये भी बर्निश बहुत ही अच्छा है। आप चाहे तो डॉक्टर ब्रेक का यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों आपका अगर ये वीडियो पसंद आए लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हम आपके लिए लेके आता हूँ अलग अलग ट्रांसफार्मर का, कैसे आप स्टेबलाइजर का ट्रांसफार्मर बना सकते हो, कैसे स्टेबलाइजर इंस्टॉलेशन कर सकते हो, ऐसा ही वीडियो आपके लिए लेके आता हूँ। तो जुड़े रहिए हमारा इस चैनल में। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।